हमने दोनों ही चीजें दिखाई, मुख्यमंत्री ने जो कहा और उसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जो उस पर रिएक्ट किया, और उस पर उसमें सारी बात में अखिलेश यादव जी की जो बात मुख्य तौर पर सामने आई, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उनको हिट कर रही थी, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें नहीं थी, वो गर्मी उतारने वाली बात थी मुख्यमंत्री की, जिसको रिएक्ट कर रहे थे, और कंप्रेसर वाली बात उन्होंने कोट की, उन्होंने कहा कि मैं वो हमारे मुख्यमंत्री है, कोई कंप्रेसर नहीं है जो हमें ठंडा कर दे। आपको नहीं लगता ये मुद्दों पर उत्तर देना प्रदेश की जनता तक ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बात पहुंचाना होता उनका? देखिए राजेंद्र जी, अगर आप बात करिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ये समझिए कि टूटे फूटे लंगड़ाते भचकाते केवल संख्या बल के आधार पर सरकार चला उत्तर प्रदेश को जो है सत्यानाश कर दिया प्रदेश का, योगी सरकार ने गर्क में ढकेल दिया प्रदेश। केवल 5 साल झूठी तो बोला है योगी सरकार ने, कहा कि किसानों का बकाया कर्ज माफ कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, लैपटॉप देंगे छात्रों को और 70 लाख रोजगार देंगे, कहां कोई वादा पूरा किया। केवल 5 साल पिछली सरकारों को फटे फटे हुए बांस के जैसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर केवल पिछली सरकारों को कोसने का काम किया और केवल रोते रहे। देखिए इतना रोए हैं कि देखिए मेरे पास जो है कटोरा भर के इनके आंसू है, इतना रोए अभी और बाल्टियां भी भरी हुई है इनके आंसू से, इतना रोए भाजपा केवल 5 साल पिछली सरकार को लेकर रोती रही है। और जो ये रिपोर्ट कार्ड अपना दिखा रहे हैं, कम से कम वास्तविक रिपोर्ट कार्ड तो दिखाते कि 70 साल में उत्तर प्रदेश में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार में हो गया। अरे उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल, जिस प्रकार से लखीमपुर में पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण हुआ, हाथरस में किस प्रकार से दलित बच्ची के साथ अन्याय की अत्याचार की सारी हदें पार हो गई, आज भी देखिए किस प्रकार से भी एक दो दिन पूर्व बुलंदशहर में हाथरस जैसी घटना रिपीट हुई है, अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, बच्ची के साथ क्या किया और उसका फिर कैसे उसका जबरदस्ती अंतिम संस्कार करा दिया गया, और किस प्रकार से किसानों को अभी लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने जो है कुचल दिया किसानों को, कभी ऐसा हुआ जेल के अंदर है उत्तर प्रदेश में? कभी नहीं हुआ। मंत्री जी के बेटे जेल के अंदर है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल चुकी है उनके खिलाफ, और उनके साथी जो उस घटना में आरोपी हैं कथित रूप से वो भी सारे जेल के भीतर हैं। तो उसमें तो मेरा ख्याल है, उसमें तो मेरा ख्याल है आप लोग संतुष्ट होंगे कार्रवाई? नहीं, राजेंद्र जी देखिए अभी आप देखिए अभी कुछ दिन पूर्व ही किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। क्यों विश्वासघात दिवस मनाया? क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि टीनी को बर्खास्त कर देंगे, अभी तक टीनी को बर्खास्त नहीं किया। फिर सरकार ने एमएसपी पर कोई एमएसपी कानून की जो गारंटी बननी थी उसके लिए अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई। जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे कायम है अभी तक उसको वापस लेने का काम नहीं किया। अच्छा उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौजवान, देखिए नौजवान देश का भविष्य होते हैं, नौजवान अपने लिए रोजगार मांग रहे थे तो योगी सरकार ने लाठी डंडे से मारने का काम किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से नौजवानों को जो है लाठी डंडा मारा, पिछड़े जो आरक्षण है पिछड़ा वर्ग का उस पर डंडी मारने का काम किया, दलितों का जो आरक्षण है उसमें भी डंडी मारने का काम किया। ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर महिला शिक्षक अपने हक हकूक के लिए उनको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अपने बालों तक का मुंडन कराना पड़ा, और वो ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं थी, एक सेकंड, वो ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं थी और आदित्यनाथ ने कहा कि ये महिलाएं अपने पिछले जन्म के पापों की सजा भोग रही है। अरे ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ साधु संत महंत भी असुरक्षित है, अब तक जो है 46 से ज्यादा साधु संत महंतों की या तो मंदिर में हत्या हो चुकी है, उन्होंने आत्महत्या की कर ली है। यहाँ तो गोवंश पशु भी असुरक्षित है, गोवंश पशु में क्या देखिए बांता में क्या हुआ, अभी 250 से ज्यादा गोवंश पशु को, जिंदा गोवंश पशु को ट्रक में ठूस कर जो है जंगल में जिंदा दफना दिया। मुझे ऐसा कभी हुआ उत्तर प्रदेश में? श्रावस्ती में अगर जो आप कह रही हैं, नहीं लारी,